नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपीटेट प्राथमिक शिक्षक के लिए मिशन 120 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके मिशन 120 के तहत पांच सब्जेक्ट है। पांच सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पता है। पांच सब्जेक्ट में सबसे पहले बाल विकास, उसके बाद भाषा एक, भाषा दो, पर्यावरण और गणित। तो यहाँ पे हम मिशन गणित के थ्रू मिशन 120 में सबसे पहले हम पार कर रहे हैं मिशन 30 के चलाए, यानी आपका जो गणित का सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर के गणित के और 15 नंबर के पेडागोजिकल के क्वेश्चन है। तो इस पूरे यहाँ पे हम इस सफर में मिशन 120 में सबसे पहले सफर पार कर रहे हैं हम 30 नंबर का। क्यों? क्योंकि गणित जो है एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। अगर इसको एक बार पढ़ा दिया तो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसकी रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसलिए हमने सबसे पहले विषय कौन सा चुना है? गणित। तो मिशन 120 प्लस में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इकाई जीरो। इकाई जीरो को हमने नाम दिया संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमारे छह चैप्टर है। उस छह चैप्टर में से 9 टेबलेट्स हमने दूसरे वीडियो में पढ़े, उसके बाद तीसरे वीडियो में, चौथे वीडियो में और पांचवें वीडियो में। तो हमारा आज की तारीख में जो है हमारा कौन सा वीडियो है? छठा वीडियो। आज इससे पहले वीडियो में हमने संख्याओं की आधारभूत अवधारणाएं का पहला पार्ट पढ़ा। संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में हमें क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पद्धति। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें किस प्रकार से शब्दों को अंकों में और अंकों में अंकों को शब्दों में लिखना है, किस प्रकार से राष्ट्रीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। आपने पिछले वीडियो को अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद इस संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में हमें पढ़ना है स्थानीय मान निकालना, जाति मान निकालना, एन अंक तक की संख्याओं की बड़ी संख्या और एन अंक तक की संख्याओं की छोटी संख्या, और हमें पढ़ना है संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के विभाज्यता के नियम। इस प्रकार से हमको चार चीजें और पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मिशन 120, और मिशन 120 में हमारा आज का रहेगा क्या? संख्याओं के स्थानीय मान और जाति मान। ओके, रेडी? चलिए, आपका है सबसे पहले होता है जाति मान। क्या मान होता है? जाति मान। जाति मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इस जाति मान को अंकित मान भी बोला जाता है, इस जाति मान को अंकित मान भी बोला जाता है, इसी जाति मान को शुद्ध मान भी बोला जाता है, इसी जाति मान को वास्तविक मान भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर इन नामों के सहारे, क्योंकि एग्जाम में कई सारे शुद्ध मान का प्रयोग करता है, वास्तविक मान का प्रयोग करता है, अंकित मान का, जाति मान का, तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जाति मान यानी किसी संख्या में, देखो ये 3, 2, 5, 6, 7, इसमें 7 की जाति क्या है? 7। 6 की जाति क्या है? 6। 5 की जाति क्या है? 5। 2 की जाति क्या है? 2। 3 की जाति क्या है? 3। यानी इसका मतलब होता है किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। इन द नंबर, किसी संख्या में द वैल्यू ऑफ ए डिजिट, यानी किसी अंक का मान विल नेवर चेंज, मतलब क्या होगा? कभी नहीं बदलेगा। अगर वह नहीं बदलेगा तो वही उस संख्या का क्या कहलाएगा? अंकित मान। तो इस प्रकार से हमारे पास जाति मान की परिभाषा क्या होगा? ध्यान रखिएगा, गणित में परिभाषा पहले उदाहरण लीजिए, उस उदाहरण को समझिए और उसके बाद उसकी परिभाषा को पढ़िए। पहले परिभाषा से अगर आप पढ़ेंगे तो वह परिभाषा आपको याद नहीं होगी, ठीक है? तो क्या कह रहा आपने? किसी संख्या में अंक का मान जो अपरिवर्तित रहता है, जो कभी नहीं बदलता है वह उस अंक का अंकित मान कहलाता है। उस अंक का क्या कहलाता है? अंकित मान कहलाता है। आप इस वीडियो के साथ अपनी पेन कॉपी लीजिए, बिल्कुल आप यहां पे बिल्कुल सारी चीजों को पढ़ते जाइए। मिशन 120 में ध्यान रखिएगा, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम एक मिशन 120 में यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हमको सब आता है। अगर आप एमपीटेट के सिलेबस को देखेंगे तो जोड़ना घटाना गुणा भाग आयतन में संबंध बताना वृत्त केंद्र छोटी छोटी चीज बहुत छोटी छोटी चीजें पर बहुत छोटी छोटी चीजों से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे जातिमान के बाद हम पढ़ते जातिमान। अब जातिमान देखिए, देखो संख्या ले लो आप, कोई सी भी एक संख्या ले लो, संख्या है 6 7 3 2 9 6 ये ले लो 8। तो इसमें 6 का जातिमान, जातिमान मतलब 6। अगर आप बोले 7 का जातिमान तो 7 का जातिमान 7, 3 का जातिमान तो 3, उसी प्रकार से सभी के जातिमान वही रहेंगे। यानी किसी संख्या में उस अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है वह उस संख्या के उन अंकों का जातिमान कहलाता है। क्या आप समझ पाए? यानी अब यहां पे अगर बाय द वे 0 होता, ये 0, तो 0 का जातिमान हमेशा 0। तो इस प्रकार से संख्याओं के वो मान जो कभी नहीं बदलते हैं जातिमान कहलाते हैं। अब आते हैं हम हमारी पास बारी किसकी, स्थानीय मान की। कौन सा स्थानीय मान? स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। अब यहां पे ध्यान रखिएगा इसके बारे में क्या है, जैसे कि एक संख्या है 2 3 4 5 6, छह कौन से स्थान? देखो स्थान, इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने देखा है, ध्यान से सुनिए, उससे जस्ट पहले वीडियो में हमने किस प्रकार से संख्यांकन प्रणाली में संख्याओं को लिखा जाता है। तो संख्यांकन प्रणाली में आपने देखा होगा दार्शनिक प्रणाली और एक और कौन सी प्रणाली थी, दार्शनिक प्रणाली और एक और संख्यांकन प्रणाली। तो संख्यांकन प्रणाली में हिंदू अरेबिक पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी चार कौन से स्थान पर है, सैकड़वे स्थान पर, तीन कौन से स्थान पर, हजारवे स्थान पर, दो किस कौन से स्थान पर, 10,000वें स्थान पर, यानी उसके स्थान। तो इस छह का स्थान क्या है, इकाई, पांच का स्थान क्या है, दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है इस पांच में 10 का गुणा किया गया तब ये पांच क्या बना है, 50 बना है, इस चार में 100 का गुणा किया गया, इस तीन में 1,000 का गुणा किया गया, इस दो में कितने का, 10,000 का गुणा किया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी, जैसे अगर हम बोलेंगे 6 का स्थानीय मान तो 6 का स्थानीय मान होगा 6, 5 का स्थानीय मान तो 5 का स्थानीय मान मतलब कौन से स्थान पर, वो 50वें स्थान पर। देखो यहां पे इकाई दहाई, दहाई मतलब 5, तो 50वें स्थान पर, तो ये 50 कैसे बना, 5 × 10 यानी ये 50 इसका स्थानीय मान हो गया। उसी प्रकार से यहां पर अगर बोलेंगे 4 का स्थानीय मान तो ये कौन से स्थान पर होगा, 400 स्थान पर, दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या को लिख दो, उस संख्या को लिख दो जिस संख्या को, जैसे वो बोलेंगे 4 का स्थानीय मान तो उस संख्या को लिख दो, उसके बाद इधर यानी बाएं से दाएं यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जितने जीरो जितने अंक बचते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं, 0। अगर वो बोलेगा कि 3 का स्थानीय मान तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 और 1 3 बार 0, और उसके बाद 2 और 2 के बाद कितना है, 4 0। तो इस प्रकार से यहां पे हुआ। तो अब आपने क्या सोचा, किसी किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान विशेष के कारण बदलता है। अगर उसका स्थान इस 5 का स्थान अगर यहां रख दूं तो उसका स्थानीय मान भी बदल जाएगा। तो यहां पे परिभाषा भी अपन है, क्या है, किसी संख्या में, गणित में परिभाषा उदाहरण से देखिए, किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान विशेष के ऊपर आधारित होता है, किसके ऊपर आधारित होता है, स्थान विशेष के ऊपर आधारित होता है। ठीक है,
होता है तथा वही मान उसका क्या कहलाता है, वही मान उसका स्थानीय मान कहलाता है, वही मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। समझ पा रहे हो? तो किसी संख्या में किसी अंक का मान, किसी संख्या में जैसे इस अंक का मान चार का मान, तो ये पूरी 23456 में, 23456 में अगर चार का अंक है उसके स्थान विशेष का नाम, तो स्थान विशेष कौन सा हो, 400 स्थान पे लिखा हुआ है, तो 400 स्थान जो के विशेष पर आधारित होता है तथा वही मान, वही मान मतलब 400 ही उसका क्या होगा, स्थानीय मान कहलाएगा। तो आपने अभी यहां पर क्या सीखा, किसी संख्या का जाति मान और किसी संख्या के स्थानीय मान के बारे में। अब इसके बारे में एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। चलिए, तो आपने अभी किस प्रकार से स्थानीय मान और जाति मान की परिभाषाओं के बारे में सीखा, वहां पर हमने किसी संख्या के स्थानीय मान व जाति मान के बारे में भी देखा है। तो स्थानीय मान और जाति मान के ऊपर 5 क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखिएगा वीडियो को यही, अगर आपने स्थानीय मान व जाति मान की परिभाषाओं के बारे में, स्थानीय मान व जाति मान की परिभाषाओं के बारे में अगर आपने सीख लिया हो तो आप यहां पर वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद 5 क्वेश्चन को लिखिए, इसके क्या उत्तर आते हैं, और उन 5 क्वेश्चन को आप कमेंट में भी लिखिए। ध्यान रखिएगा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन 5 क्वेश्चन के उत्तर लिखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि इन 5 क्वेश्चन के उत्तर आपके सही है। पर ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जब भी आप वीडियो को देखें, मैं आपको यहाँ पे जब भी पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज जरूर दूंगा, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी हो, क्योंकि नंबर जब तक हम केवल परिभाषाओं को पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम क्वेश्चन ही करेंगे, और क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन में वैरायटी डाली है, यानी एक ही 5 क्वेश्चन एक ही जैसे नहीं है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट की कई सारी एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और इन 5 क्वेश्चनों के जवाब दीजिए और उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब मैं इनको देखूंगा तो मुझे अच्छी फीलिंग होगी क्योंकि मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो ईमानदारी से इनके उत्तर लिखिएगा। अब वीडियो आप अपना चलाइए और अपने जो आंसर आपने दिए हैं अपनी कॉपी में उसको चेक करिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है इसमें दोनों 3 के जाति मान, तो आपको पहले पढ़ना होगा जाति मान मतलब किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे 3 का जाति मान 3 ही होगा और इस 3 का जाति मान भी 3 ही होगा, यानी दोनों 3 के जाति मानों का योग होगा आपका 6। तो आपका उत्तर होगा 6। यस, कितना लोगों का पहला उत्तर सही है? तो आपका पहले क्वेश्चन का जाति मान क्या होगा, दोनों 3 के जाति मानों का योग कितना होगा, 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका है, क्वेश्चन नंबर टू में संख्या 6, 7, 6, 5, 4, 3 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का योग क्या है, दोनों 6। तो दोनों 6 कितना है, पहला 6 हो रहा है 6 और इसके बाद कितने जीरो है, 5 जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद दूसरा 6 कौन सा है, दूसरा 6 ये रहा, ये कौन सा है, हजार रुपये पिस्ता, 1, 2, 3। तो संख्या 6, 7, 6, 5, 4, 3 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6 लाख है और ये कितना है, 6,000। तो इसका उत्तर होगा 6,06,000 और इस प्रकार से ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी चेक करिए, अगर आपका सही होता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि ये चैप्टर मेरे को समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में भी लिखिएगा, हम अगली बार आपको इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों 3 के जाति मानों का योग ये रहा, संख्या में दोनों 6 के स्थानीय मानों का योग ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 के स्थानीय मान, तो 7 देखो ये रहा 7। स्थानीय मान लिखने के लिए इस 7 के बाद जितने भी अंक हो उनको जीरो लगा दीजिए, तो 7 के बाद 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से ये 7 के क्या हो गया, स्थानीय मान। तो 7 के बाद 4 जीरो लगा दिया, स्थानीय मान। वो 5 के जाति मान, 5 का जाति मान ये रहा, 5 का जाति मान कभी बदलेगा क्या, किसी भी संख्या में कोई भी अंक का जाति मान हमेशा नहीं बदलता है, तो यह उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से संख्या 87, 65, 94 में 7 के स्थानीय मान व 5 के जाति मानों का अंतर कितना है, यह आपको निकालना है। तो यहां पर उत्तर हो गया आपके पास ये, तो संख्या में 7 के स्थानीय मान व 5 के जाति मानों का अंतर कितना है,
तो सात के स्थानीय मान व पांच के जाति मान का अंतर जो है, वीडियो पास कर देखिए, तो सात के, अब इसके लिए क्या होता है, आप घटाने का काम ये मत करिए कि साहब इसको मेरे को घटाना है कि इसको क्या करना है, आप डायरेक्ट यहां पे सोचिए 7000 में से 5 घटाना, कितना सॉरी 70000 में से कितना घटाना है 5, तो 70000 में से 5 घटाएंगे तो 69900 कितना 95, तो कुछ नहीं करना 69995, बहुत सारे उसको घटाने का काम करते हैं, 5 को 0 तक गया, वो 5 बचा, फिर 9 लिखा, दिमाग खराब हो जाएगा, देशी तरीके से घटाइए। ध्यान रखिएगा स्थानीय मान व जाति मानों का योग निकालना है, अंतर निकालना है, उनको घटाना है, जोड़ना है, वो सब आप कौन से मान से करेंगे, देशी मान, क्योंकि इसमें क्या होता है स्थानीय मान निकालते तो 0-0 आती है, जाति मान निकाले तो केवल एक ही अंक आता है, तो इसका मतलब होता है जब 0-0 वाली में से एक अंक घटाएंगे तो देशी तरीका सबसे बेहतर तरीका है। तो इस प्रकार से संख्या में 7 के स्थानीय मान व 5 के जाति मानों का अंतर क्या है। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संख्या में दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर, तो दोनों 6 यानी एक 6 उसके बाद कितनी 0 है 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो संख्या 67 63 459 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 6 का 1 2 3 4 5 6 दोनों 6 के स्थानीय मान, उसके बाद क्या हो रहा है, एक और 6 कौन सा हो रहा है 60000, ये हो गया। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख, कितना हो रहा है 60 लाख, 60 लाख में से कितने घटाना है 60000, तो 60 लाख में से 60000 घटाना है, तो ध्यान रखिएगा 60 लाख में से 7000 घटाना है तो कुल मिला के 59000 तो बचेंगे ही बचेंगे। अब 59000 के बाद कितने बचेंगे बताइए, अगर ये यहाँ पे 60 लिखा है तो 59000 के बाद कितने बचेंगे 40000, तो कुल मिला के आपका उत्तर हो गया 59,40,000, ये आपका उत्तर। क्या आप 59,40,000 क्या समझ पाया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आपको उत्तर में, बस बिल्कुल देशी तरीके से घटाइए। आप सोचेंगे मैं इसको इसके नीचे लिखूंगा और उसके बाद घटाऊंगा, नहीं, आपके पास पूरा सवाल समझ में, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 60 लाख, 60 लाख में से 60000 आपके पास 60 लाख रुपए और मजा आ गया 60 लाख। ध्यान रखिएगा एमपी टेट में अगर नौकरी लग गई ना तो आपको जब रिटायरमेंट होगी ना तो 60 लाख नहीं साहब करोड़ों मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा मिशन 120 की तरफ बढ़िए, पॉजिटिव तरीके से बढ़िए। तो 60 लाख में से 60000 गए तो कितना बचा 59,40,000। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 87 67 32 में 8 व 6 के वास्तविक मानों का अंतर कितना है, 8 व 6 के वास्तविक मानों का अंतर कितना है, तो 8 का वास्तविक मान तो 8 ही होता है, 6 का स्थानीय मान 6 ही होता है, तो 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 8 - 6 = 2। इस प्रकार से आपके ये पांचों उत्तर है, और जिनके भी ये पांचों उत्तर है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे पांचों सही है, या उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पांचों क्वेश्चन हुए, और पांचों क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो प्लीज बताइए, पर जहां तक मैं समझा पाया आपको इसके पांचों क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने इसमें लगभग सारी वेरायटी डाली, ठीक है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान विशेष के कारण, यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो उस संख्या को वहां चुनिए और उसके बाद 0 लगा दीजिए, स्थानीय मान। अंकित मान या वास्तविक मान या शुद्ध मान या जाति मान, ये सब एक ही होते हैं, उसका मतलब होता है किसी भी संख्या का 6 का स्थानीय मान जाति मान वही रहेगा, वो संख्या में 6 कहीं पर भी लिखा हो, 5 का जाति मान 5 ही रहेगा यदि वो संख्या में कहीं पर भी लिखा हो, परंतु जब वो स्थान बदलता है तो वो स्थानीय मान हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में आपका स्पष्ट क्लियर। अब हमारा जो अगला जो रहेगा कितना समय अब अगला जो हमारा है उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, एन अंकों तक की संख्याओं का छोटा या बड़ा मान। चलिए अब हम पढ़ते हैं एन अंकों तक की संख्याओं का छोटा या बड़ा मान, पास। चलिए अभी हमने यहां पे किस प्रकार से संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में दो चीजें पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से संख्यांकन प्रणाली में भारतीय हिंदू या भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शब्दों को संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना, उसके बाद हमने पढ़ा किस प्रकार से किसी संख्या का स्थानीय मान व जाति मान निकालना। ध्यान रखिएगा मैं हर बार इसलिए रिवाइज करता हूं क्योंकि आपके माइंड में पूरा रहे पिक्चर कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप चलना, ये एक आपकी यात्रा है, एक मैराथन यात्रा है, और इस मैराथन यात्रा को जब तक हम उसकी हर यात्रा का हर पल का हर क्षण का आनंद लेते हुए नहीं चलेंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो अब उसके बाद हमारे पास आता है एन अंकों तक की, एन अंकों
तक की संख्या का एन अंकों तक की संख्या का अधिकतम व न्यूनतम मान। ठीक है, देखिए क्या है, एन अंकों तक की संख्याओं का अधिकतम व न्यूनतम मान के बारे में आपको सीखना है। अब इसका मान सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ध्यान रखिएगा, मैं फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ता, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, आप खुद सोचिए, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप गिनना शुरू करेंगे 10, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, यही दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, गिनते जाओ 99, तो दो अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी 99, यही दो की जगह हम क्या ले लें, तीन अंकों की छोटी ले लें तो कितना हो जाएगा 100, और यही हम तीन अंकों की सबसे बड़ी ले लें तो क्या हो जाएगी 999। इसका मतलब होता है दो अंकों की छोटी संख्या, तीन अंकों की छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी संख्या, पांच अंकों की छोटी संख्या, छह अंकों की छोटी संख्या, या इस प्रकार से एन अंकों की छोटी संख्या अगर हम लिखें तो कुल मिलाकर लिखना कितना है, एक तो हमेशा लिखना है, और उसके बाद जितने अंक की पूछा है उससे एक कम जीरो आपको लगाना है। अगर वो बोले पांच अंकों की छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा, पांच तो एक तो आपको लिखना ही है, और उसके बाद पांच अंकों की बोला है तो एक जीरो कम करिए, 1, 2, 3, 4, ये हो गया पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या। वो बोलेगा कि आठ अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो एक और आठ अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अपने को 7 जीरो क्यों लगाना है, क्योंकि 8 अंक है, जीरो कितनी लगाना है, एक कम। क्या समझ पाए, अब बड़ी के बारे में बात करें, बड़ी तो बहुत अच्छी है, एक अंक की बड़ी 9, दो अंक की बड़ी 99, तीन अंक की 999, चार अंक की 9999, पांच अंक की 99999, यानी जितने अंक की बोले उतनी 9 लिख दीजिएगा, तो वो संख्या उसकी छोटी, वह संख्या उसकी बड़ी। क्या आप समझ पाए, तो बस हम यहां पे एन अंकों तक की संख्या छोटी और बड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर इसको हम फार्मूले में बांटना चाहें तो एन अंकों की सबसे छोटी, एन अंकों की सबसे छोटी, ध्यान रखिएगा क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या लिखते हैं, एन माइनस वन शून्य लगाते हैं। देखिए गणित में ये जो फार्मूले होते हैं ना, ये बड़े टफ, पैटर्न पे ध्यान दीजिए आप, तो एक अंक की छोटी संख्या एक, ध्यान रखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, और उसके बाद उससे एक कम शून्य लगाइए, तो एक से कम शून्य कितना होता है, शून्य लगाने ही, ठीक। उसके बाद दो अंक की सबसे छोटी संख्या एक, और उसके बाद कितने लगाइए, एक शून्य लगाइए, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या एक लगाइए और दो जीरो लगाइए, चार अंक की सबसे छोटी संख्या एक लगाइए और उसके बाद तीन जीरो लगाइए, उसके बाद पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक लगाइए और उसके बाद कितने जीरो लगाइए, चार जीरो। तो इस प्रकार से ये आपने एन अंक तक की सबसे छोटी संख्या लिखना सीख दी। अब हम बात करते हैं एन अंक की सबसे छोटी की जगह क्या लिखेंगे, बड़ी, एन अंक की। तो आपने देखा कितना है, एन बार नौ लगाते हैं लिखते हैं बनाते हैं, कुछ नहीं, गणित में भाषा का नहीं, आपके मान का महत्व है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, कुछ नहीं करना, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 10 बार 9 लिख दो, 15 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 15 बार 9 लिख दो, बस बात खत्म। तो यहां पर आपने संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में एक कॉन्सेप्ट ऑफ सीखा। अब हम बढ़ते हैं इसके पांच क्वेश्चन की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी नहीं, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान रखिएगा। हमने बताया चैप्टर खत्म होने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर भी हम आपको सोल्व करवाएंगे, यहां
हम आपके हमारे वीडियो के जो वीडियो हमारा जब इस प्रकार से कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके डिस्कशन बॉक्स में हम ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे, उसको पहले आप घर पे सोल्व करना, उसके बाद उसके एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक चलेंगे, चिंता मत करिए। इस यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ आप मैथ्स की तैयारी उसी प्रकार से बेहतर करेंगे जिस प्रकार से हम ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पांच क्वेश्चन आप करिए, पांच क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। तो अभी आपने सीखा कि किस प्रकार से एन अंकों तक की संख्या मतलब जैसे पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 5 बार 9 लिख दीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख दीजिए, और 0 3 मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कितने 0 कम लगाइए, 1 0 कम लगाइए। अगर बोले 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख दीजिए और उसके बाद 7 0 लगा दीजिए। अगर वो बोले 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 11 बार 9 लिख दीजिए। अगर बोले वो 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख दीजिए और 10 0 लगा दीजिए। कहीं किसी को दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं पांच क्वेश्चन। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है, इन पांचों क्वेश्चंस को आपको क्या है पहले आप करिए, और समय के साथ ध्यान रखिएगा समय सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अगर इन पांचों क्वेश्चन को अगर आप करते हैं, एक क्वेश्चन का एवरेज समय 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है। फिर मैं बता दूं आपको, आपको किसी भी एग्जाम में कभी कभी किसी एग्जाम में 45 सेकंड देते हैं, किसी में 30 सेकंड देते हैं और किसी में 60 सेकंड तक आपको मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अधिकतम समय 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। पर ध्यान रखिएगा गणित के सवालों को जब तक आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने की आदत नहीं डालेंगे एग्जाम में वो आपके 60 सेकंड के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन को, तो यहां पर बिल्कुल वीडियो को पॉज करके अपने मोबाइल की स्टॉपवॉच को चालू करिएगा और ये आपके पांच क्वेश्चन है, मतलब 150 सेकंड, 150 सेकंड का मतलब कितना होता है 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप पहले अपने मोबाइल की स्टॉपवॉच चालू करिएगा, उसके बाद 2.5 मिनट लीजिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चनों को करिएगा, ठीक। उसके बाद आप यहां पर हमारे सॉल्यूशन को देखिए, ओके। तो हम यहां करते हैं अब सॉल्यूशन। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहियो। तो 5, तो कोई भी संख्या बड़ी लिखना है, सबसे बड़ी, तो उतने बार 9 लगा दो, 1 2 3 4 5। और उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10। अब इसके क्या करना है, योग ज्ञात करना, ले ओ साहब हो गए आपके पास 99,999 में क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है। बहुत सारे के मन में होगा अरे क्या करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा मैंने फिर कहा आपसे इससे पहले स्थानीय मान और जातीय मान में देशी तरीका, अगर आप इसको अलग से लिखेंगे तो सी आप होते 99,999 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 1 लाख हो जाता। अब 1 लाख में कितने और बचे, 9 बचे, तो इसका उत्तर होगा 1,09,000। 1 लाख उसके बाद 9,009,009 ये आपका उत्तर है। क्या आप समझ पाए अच्छी तरह से, नहीं तो आप अगर इसको 0 लिखेंगे आपके गलती होने की पूरी संभावना। देशी मेथड का मतलब होता है जब हम अपने बुजुर्गों से अगर कुछ चीजों का जोड़ घटाव कहते हैं तो ध्यान रखिएगा वो कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं, इन्हीं प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 99,999 में अगर 10 जोड़ना है तो पहले 1 लाख बनाइए और उसके बाद कितना बचा, 9, तो 1,09,000 लिख दीजिए। और 1,09,000 कैसे लिखते हैं ये हम ऑलरेडी आपको संख्यांकन प्रणाली में किस प्रकार से अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में, संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखना कैसे लिखते हैं वो सीख चुके हैं। हर चीज एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई है। पिछले अगर चीजों को नहीं देखोगे तो आगे आप केवल समझ तो जाओगे पर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे पहले 1 लिख दीजिए, 1 के बाद 6 अंक है तो कितने 0 लगाना है, 5 0 लगा दीजिए, 5 0, 1 2 3 4 5, तो ये होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब ये होगी 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब होता है उतने बार 2 लिख दीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 लिखने के बाद 5 0 लगा दीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिख दीजिए। अब उनका अंतर निकालना, ये अंतर मैंने फिर कहा देशी मेथड। अगर आप सोचोगे कि मेरे को तो इसको ऐसे ही करना है और आप यहाँ पे 9 और 9 लिख दोगे उसके बाद करोगे आपका दिमाग खराब, क्योंकि माइनस करने में 0 में दिक्कत आती है। कुछ नहीं करना, आपके पास कितने लाख रुपये, 1,00,000। 6 अंकों की संख्या का मतलब होगा 1,00,000। अब 1,00,000 में से आपके 99 रुपए चले गए,
₹99 की कोई चीज खरीद दी, आपने कोई रिचार्ज करवा दिया, तो आपके पास कितने बचे? आप ये बात अच्छी तरह से पता है कि अब मेरे पास 1,00,000 तो नहीं बचे, और 1,00,000 में से कितने कम हुए? केवल 99। केवल 99 का मतलब होता है, आप ध्यान रखिएगा, कितना होगा? 99,900। बताओ 99,900 मतलब 900 तक हो गए। अब कितना बचा? 99,900 बताइए कितना? 1। अरे प्रभु मेरे, समझ पाए ना एक बात? 99,901। ये सोचिए कि क्या इसमें मैं 99 मिला दूं तो क्या मेरा 1,00,000 पूरा हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 1,00,000 में से 99 गए तो कितने बचे? 1,00,000 में से 99 गए तो 99,901। ध्यान रखिएगा देशी मेथड। अगर आप इसको ये सोचेंगे कि सर मैं तो ऐसे करना हूं, 1,2,3,4,5 99। अब यहाँ पे 9 को 1 तक करेंगे तो 1, 9 को 1 तक गए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना होगा? 0, 0 को 0, और उसके बाद तो यहाँ पे कितना बचा? 9, 9, 9, और इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कितने 9 लिखना, और इस प्रकार से छोटी सी भी एक गलती, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है सारे उत्तर इसी फॉर्म में लिखे होंगे, कुछ नहीं होगा, कभी एक यहाँ पे 1,0 कम होगी, यहाँ पे 9 कम होंगे। तो ध्यान रखिएगा 1,00,000 में से अगर 99 गए तो कितना बचा? 99,901। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपकी ये सारे चीजें गणित नहीं है साहब, प्रैक्टिस है। तो ठीक है, तो आपका उत्तर रहेगा ये। ओके, आप अपने एक एक उत्तर को मिलाते जाइए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 32,576 गुणा। आप तो यहां पर ढेर हो जाएंगे, नहीं होगा साहब गुणा, और अगर आपने गुणा किया कि साहब हम गुणा करना चाहते तो क्या करेंगे? 32,576 गुणित 9, 9, 9, 9, 9, 9, और करेंगे गुणा, और 9 का गुणा किया, फिर 9 का गुणा किया, फिर 9 का गुणा किया, इन सबको जोड़े। ध्यान रखिएगा वो सवाल आपके होगा कम से कम 4 मिनट में, और एमपीटेट से आप इसी सवाल के कारण आउट ऑफ। ध्यान रखिएगा, आपको ये पता है कि इसका उत्तर आप ले आएंगे, ये मुझे भी पता है, क्योंकि आपको गुणा करना आता है, ये मुझे भी पता है, पर इस क्वेश्चन को अगर इस प्रोसेस से किया तो आप एमपीटेट की परीक्षा से इसी एक सवाल के कारण बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 10,00,000 में से हमको 5,000 में आना है, तभी जाके हम अपने सिलेक्शन के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं। तो यहां पर किसी भी संख्या में 9 का गुणा करने के लिए, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9, 9, 9, 9, 9। अब उसमें किसका गुणा करना है? 32,576। जब हम 9 टेबलेट्स में गुणा और विशेष प्रकार के गुणा का एक चैप्टर पूरा हम आपका एमपीटेट में है, जब उनके सारे गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे तब यहां पर आपको बताएंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी किसी संख्या में 9, 9, 9, 9, 9 के गुणा करना है, और जिसमें हम गुणा कर रहे हैं उसके अंकों का योग, देखो इसमें कितने अंक है? 5। इसमें भी कितने अंक है? 5। तो यदि किसी संख्या में जितने 9 हो और दूसरी संख्या उसमें भी उतने ही अंक हो तो उनका गुणा बहुत आसानी से, ध्यान रखिएगा इसका गुणा कैसे होता है किसी भी संख्या का। अगर आप एक दो एग्जांपल भी देखिए, जैसे कि मैं 99 में अगर 32 का गुणा कर दूं तो कुछ नहीं करना है, इस 32 को एक कम करना, कितना होता है? 31। अब इस 3 को 9 तक जाने के लिए 6, जाने के लिए मतलब होता है 3 में क्या जोड़ा जाएगा 9, और इस 1 को 9 तक जाने के लिए कितना होता है बताइए? 8। तो इसका उत्तर ये हो गया। ओहो कितना आसान, यहां पे 1 को लिख लीजिए, 9, 9, 9 गुणित 131। तो 131 में से 1 कम करिए 130, और 130 को फिर वही क्या करना है, इस 9 को, 1 को 9 तक जाने के लिए 8, इस 3 को 9 तक जाने के लिए 6, इस 0 को 9 तक जाने के लिए 9, ये आपका उत्तर हो गया। ओहो हो आनंद आ गया आप तो यहां पे क्या करेंगे? 3, 2, 5, 7, 5 ध्यान रखिएगा 3, 2, 5, 7, 5। उसके बाद कुछ नहीं करना, अब इसको मत देखो आप, तो यहीं से देख लो ना, 3 को 9 तक जाने के लिए 6, 2 को 9 तक जाने के लिए 7, 5 को 9 तक जाने के लिए 4, 7 को 2 9 तक जाने के लिए 2, और इस 5 को 4 9 तक जाने के लिए 4, बस यही इसका उत्तर है। आप सोचिए ये केवल काम होगा 10 सेकंड का, और अगर आप इसको करेंगे अपनी दूसरी मेथड से तो आपका उत्तर होगा ये 30 सेकंड से ऊपर चला जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा एकमात्र क्वेश्चन ही आपको, क्योंकि आप सोचेंगे एकमात्र क्वेश्चन कैसे, क्योंकि यह एक क्वेश्चन अगर आपका उत्तर लेके आया 4 मिनट में तो यह कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन का बलिदान ले लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा अगर 5-6 क्वेश्चन का बलिदान ले लेगा तो 5-6 क्वेश्चन ही तो है, मेरिट कहां तक जाती है साहब? कुछ नहीं है, मेरिट जो होती है लगभग 7 या 8 नंबर में पूरे सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई मिल जाते हैं।
तो ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन, एक एक बिंदु आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान रखिएगा जब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब होता है 1 और 7 0। ध्यान रखिएगा इमेजिन करिए, मैं क्वेश्चन को इमेजिन करवा रहा हूं, आप वहां पे एग्जाम में लिखने का झंझट से नहीं। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब होता है 1 लिखने के बाद 7 0, 1 लिखने के बाद 7 0, हो गया काम। उसके बाद क्या हो रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब होता है कितने बार 9 लिखेंगे, 9 9 9 9, कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। इसका मतलब होता है इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है पता, 1। बस बात खत्म, यही दिख रहा है। फिर से फिर भी देख लो, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या इकाई, अब इसमें कितने अंक लगा, 0 लगाना है, तो यहां पर कितने 0 लगे, 7 लगे, 4 5 6 7, कितने 0 हो गए, 7 0। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 9, कितने 0 हो गए, कितने 9 हो गए, 9। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 7 बार 9। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 लिखने के बाद 7 0। अब देखो इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देशी मेथड देखिए। देशी मेथड क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपए आपके पास है। अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है, अच्छा 1 करोड़ रुपए आपके पास है, चलो कोई बात नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अब 1 करोड़ आपके पास रुपए है और मेरी इच्छा हो रही है कि आपसे 99 लाख रुपये ले लूं। 99,99,999 रुपये में मांगता हूं, फिर आपका मुंह उतर गया देखो। यानी ये क्या है, 1 करोड़ रुपए, और ये क्या है, 99,99,999। तो 1 करोड़ रुपये में से 99,99,999 रुपये अगर मैं ले लूंगा तो प्रभु आपके पास शगुन का 1 रुपया बचेगा। तो ये आपका उत्तर कितना हो गया, 1। समझ पाए आपको, कुछ नहीं, चीजों को बिल्कुल आसानी से देखिए, बड़े सुंदर है। गणित हमेशा स्मार्ट लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वहां पे हम वालों के लिए जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा ठीक। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 5, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99। मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 और 4 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणा, और प्रभु जिसके 0 ही 0 हो उनका गुणा करना तो बहुत आसान, जितने 0 को लगा दीजिए तो इसका उत्तर होगा 9 9 9, और कितने 0 4 0, 1 2 3 4। देखिए पांचों क्वेश्चन में मैंने वैराइटी डाली, देखिए पांचों क्वेश्चन कितने प्यारे सुंदर। अगर इसके पांचों क्वेश्चन आपको सही है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए तालियां भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर आज संख्याओं की आधारभूत अवधारणाओं में किस प्रकार से एन अंकों तक की संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या और एन अंकों की सबसे छोटी संख्याओं के बारे में अवधारणाएं पढ़ी, आपको किस प्रकार से ये वीडियो लगा आप बताइएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके मिशन 120, ध्यान रखिएगा हम अभी मिशन 120 में मिशन 30 के पास चल रहे हैं। मिशन 30 का मतलब होता है गणित में आपको 30 में से 30 लाना है, ठीक है। तो अब मिशन 30 में से 30 लाने के लिए जो हमारा सबसे इकाई 0, अब आपको बहुत सारे को लग रहा है इसकी इकाई 0 है ना, अभी तो 23 चैप्टर है, ध्यान रखिएगा इस इकाई 0 में आपके गणित का लगभग 30% पार्ट्स कवर होना है, आपको पता भी नहीं चल रहा है वो सारी चीजें। पर क्या होता है, इन सारी चीजों को सीक्वेंस है, क्योंकि आपका एमपीटेट का जो सिलेबस है वो उतना सीक्वेंस नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होता है कुछ चीजें आपको आगे कुछ चीजें पीछे, बहुत सारी चीजें। तो यहां पर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, उस प्रकार से एक एक चैप्टर आपका बिल्कुल एक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहां पर संख्याओं के आधारभूत अवधारणा, ध्यान रखिएगा इकाई नंबर 0 में 6 चैप्टर है, कितने चैप्टर बांटे अपन, 6। सबसे पहले है 9 टेम्पलेट्स, दूसरा है संख्याओं के आधारभूत अवधारणा, तीसरा है इकाई का अंक निकालना, चौथा है वर्गमूल और घनमूल निकालना, पांचवा है एलसीएम व एचसीएम, और छठा है भिन्न व दशमलव भिन्न, ध्यान रखिएगा 6 चैप्टर के बारे में। तो अब उसके बाद इकाई 0 में हमारा जो पहला जो चीज थी कौन सी, 9 टेबलेट्स, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद थी इकाई का अंक निकालना जो तीसरा चैप्टर है, वो भी हमने वीडियो में पढ़ा दिया है। अब उसके बाद संख्याओं के आधारभूत अवधारणाओं का ये कौन सा वीडियो है, दूसरा वीडियो है, उसमें पहले वीडियो में अपनों ने किस प्रकार से भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को शब्दों और अंकों में लिखा जाता है। अब यहां पे अपनों ने पढ़ा किस प्रकार से चीजें जो होती है संख्या पद्धति जो होती है, संख्या पद्धति में संख्याओं के आधारभूत अवधारणाओं में
किस प्रकार से स्थानीयमान व जातिमान, तो इस वीडियो में हमने सीखा स्थानीयमान व जातिमान निकालना और एन अंकों तक की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का के बारे में क्वेश्चंस। इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किए। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक, अगर आपको अच्छा लगे ध्यान रखिएगा अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। शेयर करने का मतलब ये होता है ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और आप अगर इस ज्ञान को अगर अच्छी जगह तक पहुंचा पाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो ध्यान रखें, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।